guys, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel, your helper Mehak. So guys, today we are going to do class 11th English book Hornbill ka chapter number 4, Landscape of the Saul ke important extra question answers. So without any further ado, let's begin. So here is our first question. Briefly narrate the story of the emperor and Chinese art. इन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है कि एम्परर और चाइनीज आर्ट की जो स्टोरी है उसे ब्रीफली नरेट करिए. अ पेंटर वु डॉजी, एक पेंटर था जिसका नाम था वु डॉजी, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, वाज आस्क्ड टू पेंट अ लैंडस्केप बाय द टैंग एम्परर जुआनजोंग. जो 8th सेंचुरी में रहता था उसको एक लैंडस्केप बनाने के लिए कहा गया था टैंग एम्परर जुआनजोंग के द्वारा. टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए. द आर्टिस्ट कंसील्ड हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, जो आर्टिस्ट था उसने पेंटिंग बनाकर अपने जो काम को एक स्क्रीन के पीछे छुपाया. अ स्क्रीन सो दैट ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सिर्फ एम्परर ही उसे देख पाए. फॉर अ लॉन्ग टाइम द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, काफ़ी लंबे समय के लिए एम्परर ने इस वंडरफुल सीन को एडमायर किया, उसे देखता रहा. One day, painter showed him a cave at the foot of the mountain. Mountain के foot पर एक दिन painter ने उसको एक cave गुफा दिखाई and said that a spirit dwelt there. और कहा कि वहाँ पर एक spirit पैदा हुई है. The painter clapped his hands. Painter ने ताली बजाई and the entrance to the cave opened. और जो cave की entrance थी वो खुल गई जहाँ से अंदर जाना था. He then entered the cave. उसके वो cave के अंदर गया and the entrance को closed behind. और जो एंट्रेंस थी उसके जाने के बाद बंद हो गई. सिंस देन नथिंग इज नोन ऑफ द आर्टिस्ट और द पेंटिंग एज द पेंटिंग वैनिशेज ऑफ द वॉल, उसके बाद से जो पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है. सो उसके बाद से ना ही तो उस पेंटर के बारे में पता चला और ना ही उस पेंटिंग के बारे में, जो पेंटिंग थी वो गायब ही हो गई एकदम से वॉल पे से. Question number 2, how did stories such as the one about Wu Dozi play an important role in China's classical education? जो stories हैं जैसे कि Wu Dozi की story है, जैसे वो China की classical education में important role कैसे play करती हैं? Such stories played a significant part in China's classical education. ये जो stories हैं वो एक significant part play करती हैं इन stories में classical education में. They help the master to guide his pupil in the right direction. वो जो टीचर्स को मास्टर्स को गाइड करने में हेल्प करती हैं उनके बच्चों को राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में. दे वर नॉट मेयरली टेल्स, वो हर बार टेल्स नहीं होते थे बट वर डीपली इल्यूमिनेटिंग ऑफ द एसेंस ऑफ आर्ट, पर वो क्या करते थे, एसेंस ऑफ आर्ट को इल्यूमिनेट करते थे. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुहानजी आर फुल ऑफ सच स्टोरीज, ये जो बुक्स के नाम है ये फुल ऑफ स्टोरीज थे. They revealed that art was considered the essence of inner life and spirit in Asia. ये हमें reveal करते हैं कि जो art है उसे essence of inner life कहा जाता है और spirits in Asia. Initially the artist was against the blacks. So where is our question number 3 is not there. So what is the difference between the Chinese and European art? Now it's the difference. The Chinese and European art are different, as the European art is trying to achieve a perfect illusionistic likeness in Europe and the Chinese the essence of inner life and spirit in Asia. So Chinese and European art different ऐसे हैं कि जो European art है वो क्या कोशिश करती है कि perfect illusion create हो Europe में, ठीक है. और जो चाइनीज़ है वो सेंस मानती है इनर लाइफ का और स्पिरिट का सेंस मानती है एशिया में. वाइल द यूरोपियंस वॉन्ट्स यू टू लुक एट द लैंडस्केप थ्रू हिज आइज, जबकि जो यूरोपियंस हैं वो आपको चाहेंगे कि आप लैंडस्केप को आइज के द्वारा देखें. द चाइनीज पेंटर वॉन्ट्स यू टू एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, जो चाइनीज पेंटर हैं वो आपको चाहेंगे कि आप किसी भी पॉइंट से पेंटिंग के अंदर जाने की कोशिश करें, उसमें ट्रैवल करें. ही क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन, जो चाइनीज पेंटर्स होते हैं वो आपके लिए एक पाथ क्रिएट करते हैं ताकि आप अंदर जा सकें, देन बैक अगेन इन अ लीजरली मूवमेंट और वापस आ सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ डज द सांचुई एक्सप्रेस द डायोस्ट द डायोएस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. सांचुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर.
इट एक्सप्रेस द डाइवर्स व्यू, ये डाइवर्स व्यू को एक्सप्रेस करता है। द माउंटेन इज यंग एंड इट स्ट्रेचेज वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, जो माउंटेन है वो यंग है और ये डायरेक्टली स्ट्रेचेज वर्टिकली हेवन तक जाता है। इट इज स्टेबल, ये स्टेबल है, स्थिर है, वार्म है, ड्राई है जब सन होता है। वाइल द वाटर इज इन, इन वाटर को कहा गया है। इट इज हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ये हॉरिजॉन्टल है और अर्थ पे रेस्ट कर रहा है। फ्लूइड है, मॉइस्ट है एंड कूल है। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन द रिसीवर, जो इंट्रैक्शन है यिन की, रिसीवर, इसे हम रिसीवर कहते हैं इनको। फेमाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल, फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड यांग एक्टिव एंड मस्कुलिन, जो यिन है उसे फेमिनिन माना जाता है, मतलब फीमेल का माना जाता है, जो कि यूनिवर्स की एनर्जी है। और जो यांग है उसे कहा जाता है एक्टिव और मैस्कुलाइन, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर का। इज द फंडामेंटल बिलीफ ऑफ डाइविज्म, ये ही फंडामेंटल बिलीव है डाइविज्म का। वट इज लैकिंग इन सांशुई, सांशुई में क्या मतलब कमी रह गई है। द थर्ड एलिमेंट द मिडल वॉइड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस इज लैकिंग इन सांशुई, जो थर्ड एलिमेंट है सांशुई में वो लैक कर रहा है, जो कि है मिडल वॉइड, जिसकी इंट्रैक्शन लेती है प्लेस। द मिडल वर्ड इज इंडिस्पेंसिबल, जो मिडल वर्ड है वो इंडिस्पेंसिबल है। हेंस नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। दिस इज द रीजन वाई द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप इज इम्पॉर्टेंट, ये ही रीजन है कि जो वाइट है, जो अनपेंटेड स्पेस होती है चाइनीज लैंडस्केप्स में, वो इम्पॉर्टेंट होती है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, ये ही वो प्लेस है जहाँ पे मैन जो है वो एक फंडामेंटल रोल उसे मतलब से मिलता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, हेवन और अर्थ के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे मिलती है। ही बिकम्स द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ यूनिवर्स, वो एक साधन बनता है, कम्युनिकेशन का साधन बनता है बोथ द पोल्स ऑफ यूनिवर्स, जो पोल्स होते हैं जो यूनिवर्स के, उसके बीच का एक मीडियम बनता है ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज हाउ इज द प्राणायाम कंपेयर टू द मिडल वर्ल्ड, प्राणायाम को मिडल वर्ल्ड से कैसे कंपेयर किया जाता है। द मिडल वर्ल्ड इज वाइटल एज नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, मिडल वर्ल्ड है वो जरूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। दिस इज द रीजन वाई द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप इज इम्पेरेटिव, यही एक रीजन है कि जो वाइट अनपेंटेड स्पेस है चाइनीज लैंडस्केप में वो इम्पेरेटिव है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यही एक जगह भी है जहाँ पे मैन को एक फंडामेंटल रोल मिलता है। इन द योगिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्राणायाम वी ब्रीथ इन, जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं मतलब योगा की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि प्राणायाम में हम पहले अंदर ब्रीथ करते हैं, उसे रखते हैं और फिर ब्रीथ आउट कर देते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड, जो सस्पेंशन होती है ब्रीथ की, उसे हम वॉइड कहते हैं। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पे हम मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द थ्योरी ऑफ ब्रट आर्ट पुट फॉरवर्ड बाय जीन डब्यूफेट गेट क्रेडेंस, फ्रेंच पेंटर जीन डब्यूफेट चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट वर्ल्ड इन 1940s, जो फ्रेंच पेंटर था जीन डब्यूफेट, उसने चैलेंज किया आर्ट ब्रट की कॉन्सेप्ट को 1940s में। बिफोर दैट द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनर इंटरेस्ट, उसके पहले जो आर्ट थी, जो अनट्रेंड विजनरी की आर्ट थी, वो एक माइनर इंटरेस्ट के लोगों में ही थी। एट अबाउट द सेम टाइम एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, उसी समय पर जो एक अनट्यूटर्ड जीनियस, मतलब जिसे सिखाया ना गया हो, वो एक पैराडाइज बना रहा था। दिस वॉज नन अदर देन नेकचंद, ये और कुछ नहीं नेकचंद था, हु क्लियर्ड अ लिटिल पैच ऑफ जंगल, जिसने एक छोटे से पैच, जंगल के छोटे से इलाके को क्लियर किया, टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटीरियल नोन टू द वर्ल्ड टूडे द रॉक गार्डन, जिसने क्या किया कि उसका गार्डन बनाया थोड़े से स्टोन्स लेकर और रिसाइकल्ड मटीरियल का यूज करके, जिसे हम आज रॉक गार्डन कहते हैं, चंडीगढ़ में है जो आजकल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll meet you in the next video. Take care. Bye-bye.